विधायक दल के नेता चुने गए नायाब सिंह सैनी, कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायाब सिंह सैनी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर नायाब सिंह सैनी हरियाणा की कमान संभालते नजर आएंगे। हरियाणा में कल नायाब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण होगा। नायाब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। एक बार फिर कमान संभालेंगे हरियाणा की। गृह मंत्री अमित शाह ने नायाब सिंह के नाम का ऐलान किया। हरियाणा के लिए कल बेहद खास दिन और खास तौर पर नायाब सिंह सैनी के लिए भी बेहद खास दिन होगा। दूसरी बार हरियाणा की कमान संभालने का मौका उनको दिया जा रहा है। कल शपथ ग्रहण होगा। कल सीएम पद की शपथ लेंगे नायाब सिंह सैनी। हरियाणा में कल नायाब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण होगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम पर मोहर लगाई, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। तो एक बार फिर हरियाणा की कमान संभालते नजर आएंगे नायाब सिंह सैनी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट नायाब सिंह सैनी को एक बार फिर कमान सौंपी जा रही है? बिल्कुल, यह तो तय था पहले से ही, जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक यही था कि विधायक दल की बैठक होगी और नायाब सिंह का विधायक दल का नेता चुनना लगभग तय माना जा रहा था। सुबह से ही बातें चल रही थी और अब वो बातें क्लियर हो गई है विधायक दल की बैठक में, जहाँ पे प्रवेशक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। और देखा गया तो वहां पे बातचीत हुई, उसके बाद जो है नायब सिंह सैनी को एक बार फिर जो है विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मतलब साफ से हो गया है कि नायब सिंह सैनी ही जो है अगले मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के। क्योंकि देखिए, हरियाणा प्रदेश में जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया तो जो जिम्मेदारी दी गई, मुख्यमंत्री बनाया गया, नायब सिंह सैनी को बनाया गया, उसके बाद ये जो चुनाव हुआ है कहीं ना कहीं देखिए सीधा तौर पर मैसेज था कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि नायब सिंह सैनी के नाम को लेकर ही चर्चाएं चल रही थी। जिस दिन नतीजे आए उस दिन जो है लगातार बधाई दिया जा रहा था नायब सिंह सैनी को, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए या और भी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, लगातार उनको बधाई दे रहे थे नायब सिंह सैनी को कि अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आपके नेतृत्व में अच्छा चुनाव लड़ा गया, अच्छा जीत मिली है। तो उसी तरह क्लियर हो गया कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो अब साफ हो गया है नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे और कल वो शपथ लेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देखिए बड़ा डेवलपमेंट हुआ है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से तमाम खबरें आ रही थी चुनाव के पहले की, एंटी इनकम्बेंसी है, भारतीय जनता पार्टी का ठीक नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तमाम नेता अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा बयान भी सामने आया था। लेकिन सब सारी बातों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अपनी जीत का पक्षम फहराया है और अब एक जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई है। विधायक दल की बैठक हुई, विधायक दल के बैठक में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन दिया गया है। अब अगला मुख्यमंत्री जो है विधायक, अगला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। अब रास्ता साफ हो गया है जी, शपथ ग्रहण भी होगा। ऐसे में कुछ मंत्रियों के नाम भी सामने आए, कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी के साथ? बिल्कुल, देखिए बात किया जाए तो नायब सिंह सैनी के पिछले कार्यकाल में जो वरिष्ठ नेता रहे हैं उनका नाम सामने चल रहा है, चाहे वो अनिल विज की बात कर लीजिए। देखिए अनिल विज का जो नाम है वो लगातार चर्चा में बना रहा, चुनाव के दौरान एक दो बयान उनके ऐसे आए सामने तो उसके बाद तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे। लेकिन जब कल जब शपथ लेंगे तो उनके साथ कई नए चेहरे भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि देखिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो है एक एक्सपेरिमेंट करती है, एक प्रयोग करती है कि नेताओं को तैयार करने का जो क्रम होता है, तो जब पुराने नेता जो पुराने कैबिनेट मंत्री रहे हैं पिछली सरकार में, उन लोगों को तो मौका मिलेगा ही, एक दो नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल अभी चर्चाएं बस यही है कि नायब सिंह सैनी जो है कल मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और उनके साथ कम से कम 8 से 9 लोग मंत्री पद का शपथ लेंगे जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो नायब सिंह सैनी एक बार फिर हरियाणा की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह के नाम का ऐलान किया।